नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 की, जहाँ पे मैच होने वाला है सेमीफाइनल सेकंड क्रोएशिया वर्सेस इंग्लैंड, जो कि लुझ्निकी स्टेडियम मॉस्को में होने वाला है, जिसकी डेडलाइन आज 10 बजे है। सो 10 बजे के पहले आपको जो भी करना है टीम बना के ज्वाइन करना है। उसके बाद इसकी जो डेडलाइन है जो कि 11:30 बजे चालू होने वाला मैच, सो आपको सब कुछ 10 बजे के पहले करना होगा। और 11:30 बजे मैच का ऑफिशियल टाइमिंग है जो स्टार्ट होगा, किक ऑफ होगा। सो चलिए आज के मैच की बात कर लेते हैं। देखिए, क्रोएशिया ने 120 मिनट खेल के रशिया को बाहर किया था पेनल्टीज़ में, और जो इंग्लैंड है उन्होंने कन्विंसिंगली विन किया था 2-0 वर्सेस स्वीडन। सो दोनों टीमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस है और बहुत ही एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देंगी आज, 101% देना चाहेंगी आज के मैच में, जो कि सेमीफाइनल का स्टेज है। सो चलिए बात करते हैं, आपको मैं पूरी जानकारी देता हूँ मैच की। देखिए, प्लेयर्स को क्या इंजुरी का कंसर्न है या सस्पेंशन है या कोई भी न्यूज़ है, तो मैं आपको सारी डिटेल इस मैच में दूंगा, और आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसको रेड डॉट कर दीजिए। उसके बाद साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं फ्यूचर में अपनी वीडियो लाता हूँ तो आपको ज़रूर मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास गोलकीपिंग दो ऑप्शंस मिलते हैं आपको, सुभाषिच और जॉर्डन पिकफोर्ड। सो दोनों में से एक ले सकते हो, दोनों ने अच्छी गोलकीपिंग की अपने अपने देश के लिए, तो दोनों अच्छी चॉइस है। और थोड़ा अटैकिंग का ध्यान में रखते हो इंग्लैंड की तरफ से, सो मैंने सुभाषिच को खिलाया क्योंकि इंग्लैंड का जो अटैक है बहुत ही बेहतरीन है। सो सुभाषिच बहुत सारा सेव करना पड़ेगा, इसलिए सुभाषिच को मैंने टीम में लिया। उसके बाद डिफेंडर में जॉन स्टोन, डेजन लोरेन और काइल वॉकर को मैंने लिया है। देखिए, बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर खतरनाक डिफेंडर है इंग्लैंड की तरफ से जॉन स्टोन और काइल वॉकर, उनके क्रेडिट भी थोड़े कम है, सो आपके लिए हेल्प होंगी क्रेडिट मैनेज करने में। सो काइल वॉकर को लिया मैंने, जॉन स्टोन और डेजन लोरेन। यहाँ पे आपके पास चॉइस दो बचती है, विडा जो लास्ट मैच में गोल स्कोरर रहा है, उसके बाद हैरी मैगवायर, उन्होंने भी गोल स्कोर किया था, किरण ट्रिपियर आपके लिए एक चॉइस है। और यहाँ पे बात की जाए तो एशले यंग, देखिए इनके पॉइंट्स, देखिए कितने पॉइंट्स स्कोर किए लास्ट मैच में, स्कोर किया था इन्होंने 14 और 3.5, तो इनको भी आप ले सकते हो। लेकिन एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर कंपेयर करिए, इस जो डिफेंडर में आपको शामिल हो रहे हैं, सो आपके पास बेहतरीन चॉइस है जॉन स्टोन, लोरेन और विडा को आप ले सकते हो स्कॉटलैंड इस क्रोएशिया की तरफ से। उसके बाद आपके पास बेहतरीन चॉइस है काइल वॉकर के रूप में। सो ये थी डिफेंडर। यहाँ पे मिडफील्डिंग की बात करें तो पहले मैं यहाँ पे इंजरी और जो भी सस्पेंशन न्यूज़ है उसके बारे में बता देता हूँ। सो देखिए, यहाँ पे जो मैं आपको इसमें यहाँ पे जो वर्साल्स को है इसमें होंगे, हाँ देखिए यहाँ पे वर्साल्स को, सो इन्होंने बुकिंग ली थी पिछले मैच में, इसीलिए ये मैच नहीं खेलेंगे, तो पक्का है वर्साल को आप मत लीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीनिच जो इंजरी पकड़ी थी इन्होंने, सो ये भी आज के मैच में थोड़ा सस्पिशियस है, सो ये भी नहीं खेलेंगे शायद, लगता है मेरे को इंजरी पकड़ी थी उन्होंने लास्ट मैच में। सो ये दो प्लेयर थे। और यहाँ पे मिडफील्डिंग की बात की जाए तो हेंडरसन और कोवासिच आ सकते हैं, और ब्रोजोविक और कोवासिच आ सकते हैं इस मैच में वापस, क्योंकि जो इंजरी और जो उन्होंने बुकिंग जो ली थी क्रोएशिया की तरफ से, दो प्लेयर हैं। देखिए यहाँ पे एक डिफेंडर में एक इंजरी हुई है, मैंने जो बताया था अभी अभी स्टीनिच को, और वर्सार्स को जो बुकिंग की है उसकी जगह यहाँ पे मिडफील्डिंग में देखिए मे बी जो न्यूज़ आई है थोड़ी बहुत, तो ब्रोजोविक को आप ले सकते हो, ब्रोजोविक शामिल हो सकते हैं प्लेइंग 11 में। उसके बाद कोवासिच भी है, और सेफ प्लेयर के ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन मिडफील्डर लिया है, मिडफील्डिंग लिए मैंने यहाँ पे अपनी टीम में। देखिए लुका मॉड्रिच, जेसी लिंगार्ड, रैकेटिच, डेली अली और जॉर्डन हेंडरसन। जॉर्डन हेंडरसन हमेशा हैरी केन के साथ साथ देते रहते हैं, सो उनको मैंने डेफिनेटली लिया है अपनी टीम में। अगर डेली अली फेल भी होते थोड़े तो जॉर्डन हेंडरसन वहाँ पे काम भी कर सकते हैं आज। सो देखिए उनको मैंने टीम में लिया, 4-5 मिडफील्डर लिए, बहुत ही बेहतरीन मिडफील्डिंग बनाए मैंने अपनी। उसके बाद स्ट्राइकिंग फोर्स है मेरा हैरी केन और मारियो मेंजुकिच के रूप में। तो आपके पास जो ऑप्शंस बचते हैं यहाँ पे थोड़े इंजरी टाइम में आएंगे, या 20 मिनट के आखिर 20 मिनट में आएंगे वो प्लेयर्स, जैसे जेमी वार्डी, जैसे डैनी वेलबैक, रैशफोर्ड और क्रैमरिच नहीं खेलेंगे मेरे को लगता, क्योंकि इंजरी पकड़े थे उन्होंने लास्ट मैच में, मे भी लगता है मेरे को इंजरी की वजह से नहीं खेल पाएंगे, देख लीजिए। थोड़ा 18% ही लोगों ने लिया है, देखिए उन्होंने पिछले मैच में गोल किया था बल्कि, तो उनको 18% लोगों ने लिया, तो आप भी मत लीजिए उनको।
तो मैं सजेस्ट करूंगा आपके लिए बेहतरीन स्ट्राइकिंग फोर्स है हैरिकेन और मैंजोकिच के रूप में, उनके साथ आप जा सकते हो। एक प्लेयर और एक है जो रहीम स्टर्लिंग है, लेकिन आपको स्ट्राइकिंग फोर्स अगर तीन लेने हो तो वहाँ पे दो इंग्लैंड के आप ये दो ले सकते हो, या सिर्फ दोनों ही लेना हो तो मैरियो मैंजोकिच और हैरिकेन के साथ आप डेफिनेटली ये दोनों के साथ जा सकते हो। सो ये थी आपके लिए स्ट्राइकिंग फोर्स की न्यूज़। उसके बाद बात कर ली थी कैप्टन वाइस कैप्टन क्या होंगे। यहाँ पे कैप्टन मैंने हैरी केन को बनाया, वाइस कैप्टन मॉड्रिच को बनाया। आपके पास ऑप्शंस है जॉन स्टोन या लुका मॉड्रिच तो है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे डेली अली एक ऑप्शन है, हैरी केन है और मैरियो मैंजुकिस। सो ये आपके पास कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं, दो चार कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। देखिए फिर से बता देता हूँ, मैरियो मैंजुकिस, हैरी केन, डेली अली और लुका मॉड्रिच, उसके बाद जॉन स्टोन्स आपके पास ऑप्शन है। सो इन ऑप्शंस के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो। आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बता दूँ क्रोएशिया की तरफ से, सुबासिच तो है, उसके बाद लुका मॉड्रिच और इवान रैकेटिच। सो ये तीन प्लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात की जाए तो लुका मॉड्रिच की, जो जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है क्रोएशिया को यहाँ तक पहुँचने में, और यहाँ पे सुबासिच। सो ये दो प्लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से बात करें तो हैरी केन और शायद मैं एक प्लेयर भूल गया था यहाँ पे, और मैरियो मैंजुकिच। अगर यहाँ पे गोल करना है आज डेफिनेटली तो मैरियो मैंजुकिच को चलना पड़ेगा। पिछले मैच में क्रामारिच ने हेल्प की थी, तो मैरियो मैंजुकिच भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्रोएशिया की तरफ से। इंग्लैंड की बात कर लेते हैं, हैरी केन बहुत ही डिफ़ॉल्ट प्लेयर है और बहुत ही हर टीम में डिफ़ॉल्ट इनको लिया गया है। सो हैरी केन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चॉइस है इंग्लैंड की तरफ से। उसके बाद डेली अली को आज अच्छे परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा। सर जैसी लिंगर्ड हमें हमेशा की तरह उनको परफॉर्म करना पड़ेगा आज भी। उसके बाद बात कर लेते जॉन स्टोन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंडर है इंग्लैंड की तरफ से। सो ये थी इंग्लैंड के बाद आप अगर पिकफर्ड को लेते हो सो वो भी बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करना पड़ेगा उनको, यहाँ पे गोलकीपिंग है। अगर आपने सुबासिच को लिया तो वो भी इंपॉर्टेंट है, और पिकफर्ड भी बहुत ही ज़बरदस्त है। सो ये थी प्लेयर्स की बात। इसके बाद मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा। सो ये है टीम का प्रीव्यू। यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या लिया, सुबासिच को गोलकीपिंग के लिए लिया, यहाँ पे तीन डिफेंडर जॉन स्टोन, डेजन लॉरिक लॉरेन, उसके बाद काइल वॉकर को मैंने लिया। उसके बाद यहाँ पे मिडफील्डिंग की बात की जाए तो लुका मॉड्रिच, जेसी लिंगार्ड, इवान रैकेटिच, जॉर्डन हेंडरसन एंड डेली अली को मैंने लिया। बहुत ही बेहतरीन टीम बने हैं। उसके बाद स्ट्राइकिंग फोर्स मेरा बहुत ज़बरदस्त है, तो इंग्लैंड की तरफ से हैरी केन है और मैंजुकिच को मैंने लिया। तो बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही बेहतरीन टीम लिया। ये टीम डेफिनेटली स्कोर करके देंगे आपको पॉइंट, और बहुत ही मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट आज ये टीम आपको दे सकती है। सो आप डेफिनेटली ये टीम के साथ जा सकते हो और ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग विन कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो यहाँ पे लाइक ज़रूर ठोक दीजिए, और जो सब्सक्राइब का बटन है उसको रेड हॉट कर दीजिए। सो लाल और हो जाएगा, उसके बाद आपको जो वहाँ पे देखिए यहाँ पे घंटा दिख रहा होगा वो भी प्रेस करना है। सो उसके वजह से फ़ायदा ही होगा आपको कि जब भी मैं अपनी नई वीडियो लाता हूँ उसके बाद तो आपको डेफिनेटली पहुँच जाएंगी, और इजीली आप वीडियो देख के जो भी मैच का कंटेस्ट होता है उस दिन वहाँ पे लीग ज्वाइन कर सकते हो। सो ये थी टीम के बारे में न्यूज़, और मैं इसके बाद जो थर्ड प्लेस मैच होने वाला है उसकी भी न्यूज़ लाऊंगा। सो आज का जो विन होता है, विन लूज जो होता है, सो जो लूज होगा और बेल्जियम खड़े हैं तो उनके साथ थर्ड प्लेस मैच होगा, सो उसकी भी मैं आपको वीडियो दूंगा, लेकिन आज के मैच रिजल्ट आने के बाद। सो सब्सक्राइब कर लीजिए फिर से एक बार, और बटन को दबाना जो कि घंटे का बटन को दबाना आप मत भूलिए। सो वीडियो को देखने के धन्यवाद, और आज के जो मैच है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक।